हेलो गाइस, वेलकम टू मैजिक हील। आज मैं आपको प्राणिक हीलिंग और रेकी के बारे में डिफरेंस बताने जा रही हूँ। आपने सुना होगा प्राणिक हीलिंग के बारे में। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि प्राणिक हीलिंग में आपको कोई अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि रेकी में आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही आप किसी को रेकी से ट्रीट कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, मतलब आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा, एल्डरलीज को डिफरेंट तरीके से देनी होती है, और आज्ञा चक्र पे आपको डिफरेंट तरीके से देनी है। लेकिन रेकी में आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना होता है, वो बहुत सिंपल हीलिंग प्रोसीजर है उसमें, और आप किसी को भी दे सकते हैं। आप प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, आप छोटे बेबी को भी दे सकते हैं। प्राणिक हीलिंग के जो मास्टर हैं चाओ कुक सुई हैं, जो फिलिपाइंस के हैं, और जो रेकी है वो जापान से आई है। उसके जो मास्टर हैं उसुई शिकिरियो हैं। इन दोनों ही हीलिंग्स का ओरिजिनेशन इंडिया से ही है, मतलब ये प्राणिक हीलिंग फिलिपाइन से आई है और रेकी जापान से आई, लेकिन जो इनका बेस है, इन लोगों ने जो जहाँ से सीखी है वो इंडिया से ही सीखी है। प्राणिक हीलिंग बॉडी के 13 चक्रास पे वर्क करती है और रेकी जो है 7 चक्रास पे वर्क करती है। प्राणिक हीलिंग में हम कलर्स का यूज़ भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने चक्रास के अकॉर्डिंग, बट रेकी में हम कोई कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं। प्राणिक हीलिंग में काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, रेकी में सिर्फ 3 लेवल होते हैं। प्राणिक हीलिंग को हम हाथ चक्रा पे नहीं दे सकते डायरेक्टली, और चक्रास पे हम दे सकते हैं, और इसमें हम ऑरा सबसे पहले क्लीन करते हैं। रेकी में जब हम रेकी देते हैं किसी को, एक तो हम कहीं पर भी दे सकते हैं, हाथ चक्रा पर भी दे सकते हैं, डायरेक्टली हार्ट पर नहीं देनी होती है। और हम इसमें ऑरा अगर हम नहीं भी क्लीन करते हैं किसी वजह से, तो और रेकी जब जाती है तो वो उसको ऑरा को पहले क्लीन करती है, तभी वो अंदर एंटर होती है। दोनों ही हीलिंग्स का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर भी प्राणिक हीलिंग में हमें बहुत सारे बहुत एक तरीका होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है और बहुत ध्यान से करनी होती है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। रेकी में आपको कोई सिर्फ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, अदरवाइज इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। कभी भी किसी को ये हार्म नहीं कर सकती, हार्म प्राणिक हीलिंग भी नहीं करेगी, लेकिन उसका सही प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है। रेकी में सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, उनको यूज़ करके हम हीलिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं अलग अलग चीज़ के लिए। प्राणिक हीलिंग में कोई सिंबल नहीं होता है। प्राणिक हीलिंग जो हमारे आसपास के प्राण हैं, जो कि धरती में भी हैं, पानी में भी हैं, आकाश में भी हैं, उन सबको यूज़ करके सबको हील करती है। दोनों ही बहुत पावरफुल है, सबका दोनों का ही यूज़ हीलिंग करना है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस पॉइंट से दोनों अलग अलग हैं।